हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। हमें ये फिगर गिवन है जिसका परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दे रखा है। हम आप बेस नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 116 है तो 13 का स्क्वायर होता है और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, बेस इक्वल टू बेस स्क्वायर, और ये इसमें माइनस करेंगे तो 25 आएगा, है ना। और जब बेस बेस स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, और 25 का अंडर रूट होता है 5। हमारा बेस आ गया 5, तो ये हमारा आ गया 5। अब हमें फाइंड करना, हमें 10p की वैल्यू चाहिए, तो 10p बराबर पी वाई बी। तो हमें यहाँ पर 10p चाहिए, तो p के सामने वाला परपेंडिकुलर हमें हमने यहाँ पर निकाला है 5 अपॉन 12 हो जाएगा, और कॉट r के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो कॉट r की वैल्यू हो जाएगी b बाय p। तो कॉट b हो जाएगा 5 अपॉन 12, ये परपेंडिकुलर तो ये b हो जाएगा ना, तो 5 बाय 12। हमें आइए माइनस करना था 10p माइनस कॉट r, तो हम इसमें से 5 बाय 12 को माइनस 5 बाय 12 से माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। आपको समझ आ गया दोस्तों? आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।